वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। मैं हूं श्रुति और मैं आ गई हूं आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर। सो ये वीडियो कुछ अलग तो नहीं है, ये वीडियो पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है जो कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। चलिए ये वीडियो देखते हैं, उससे पहले ये वीडियो का टाइटल पढ़ लेते हैं। ये टाइटल कुछ ऐसा है, टीम इंडिया वर्सेज आईसीसी वर्ल्ड 11, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इंडिया क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। सो आई थिंक इस वीडियो में टीम इंडिया को कंपेयर किया गया है वर्ल्ड के और भी क्रिकेट टीम्स के साथ, पता नहीं क्या है। चलिए आपके साथ देखते हैं, इस वीडियो का मजा लेते हैं। सो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जो यूनिटी एक बनी होती है ना टीम की, वो ज़्यादा एफर्ट करती है और ज़्यादा से वर्ल्ड 11 मैंने आज तक कभी जीती भी नहीं देखी। जहाँ पे भी जाते हैं बेचारे हार के आते हैं। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका, एक प्लेयर निकालेंगे तो उनके पास 10 प्लेयर उसी प्लेस के लिए यानी कि खेल रहे होते हैं। इंडिया की जो लीग्स हुई हैं उनके जो अच्छे प्लेयर्स थे उनके साथ दूसरे कम्बिनेशन थे, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, तो वो एक यूनिट नहीं खेला किसी भी टीम में। ये तो मिथ है मेरे हिसाब से कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। इंडिया अपने मुल्क में तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, लेकिन आउटसाइड इंडिया इंडिया वो नहीं होती। India is a different team outside Asia. Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना। जो आज की वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे क्रिकेट पर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की आमद है और इस वक्त T20 वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया को कंसीडर किया जा रहा है और हर तरफ टीम इंडिया के चर्चे हैं। तो आज हम पाकिस्तान के अवाम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे टीम इंडिया के हवाले से कि अगर हम सारी दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक वर्ल्ड 11 की टीम बनाएं और उनका मुकाबला टीम इंडिया से कराएं तो क्या टीम इंडिया उस टीम को भी मात दे देगी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं। आपका नाम? ताहिर अब्बास। दानियाल अहमद। वहाब डार जनाब। शाकिर। अता अहमद। मोहम्मद आखिज। ताहिर अब्बास, T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या एक्साइटमेंट लेवल आपका? जाहिर है T20 वर्ल्ड कप एक ज़बरदस्त फॉर्मेट है और इंटरटेनिंग है। और इस फॉर्मेट में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो जितने स्टेडियम्स में आते हैं या घर बैठ के देखते हैं उनको इंटरटेन चाहिए होता है। तो हमें ज़्यादा खुशी इसलिए कि हमारी टीम हर दफ़ा पार्टिसिपेट करती है और हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, T20 स्पेशल में माशाल्लाह मानी जाती है। तो हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं, हम फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी रिजल्ट तो जो ग्राउंड में मेहनत करेगा उसी के हक में जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि 4 साल बाद आ रहा है, 2016 के बाद ये दोबारा हो रहा है और ये एडिशन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सारी टीमें ही बहुत अच्छी हैं और पाकिस्तान में भी जो टीम में चेंजेस आई हैं तो पाकिस्तान की टीम भी स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन द पेपर। एक्साइटमेंट तो है ऑब्वियसली, पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया के साथ मैच भी है, प्लस न्यूजीलैंड ने जो कैंसिल किया टूर आपको भी पता, तो वो भी अच्छे मैच हैं, तो एक्साइटमेंट ऑब्वियसली है सबको है। आपके लिहाज से कौन सी टीम इस वक्त फुल फॉर्म में है और स्ट्रॉन्ग टीम है? देखिए स्ट्रॉन्ग टीम अगर आप देखें तो T20 फॉर्मेट के हिसाब से वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है बनी हुई है टीम। इंडिया के प्लेयर्स जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि अपने होम ग्राउंड में बहुत बेस्ट हैं, लेकिन उनके पास इतना स्टफ है कि वो एक के बाद एक अच्छा प्लेयर ही जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस हवाले से वैसे तो नंबर वन वेस्ट इंडीज़ है और नंबर टू आप इंडिया को कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनके पास। देखा जाए तो दुबई में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, तो इसमें पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन जिस तरह देखा जाए ना कि IPL दुबई और इसमें हुआ है अबू धाबी में, तो स्ट्रॉन्ग साइड इंडिया की हो सकती है उधर क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होगी उन पिचेस पर। लेकिन देखा जाए पिछले यानी कि वक्तों में पाकिस्तान की होम ग्राउंड रही है तो पाकिस्तान को भी एडवांटेज हो सकता है। और बाकी अगर जो दूसरी साइड्स हैं मतलब इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हो सकती है। आपके मुताबिक T20 वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है इस बार? पाकिस्तान और इंग्लैंड, इसके अलावा नहीं और कोई नहीं है। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, लेकिन आफ्टर दैट आई बिलीव वेस्ट इंडीज बहुत अच्छी टीम है और कीपिंग इन माइंड के जो है T20 फॉर्मेट है तो उनके सारे प्लेयर्स जो हैं वो गेम चेंजर्स हैं, तो कंपैरेटिवली मैं यही समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडिया। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनके पास फाइटर काफ़ी हैं टीम में और वैसे भी वो काफ़ी उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली है, उसके अलावा वो रिसेंटली उन्होंने IPL भी खेला है और केला भी दुबई में, इसलिए मेरे ख्याल से वो फेवरेट है। अच्छा, अगर हम सारी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को मिलाकर एक वर्ल्ड 11 की टीम बनाएं और उसका इंडिया के साथ मुकाबला करवाया जाए तो आपके ख्याल से कौन जीतेगा, इंडिया या वर्ल्ड 11?
देखिए इसमें क्रिकेट एक डिफरेंट गेम है, इसमें क्योंकि इंडिया एक यूनिटी है और जब आप वर्ल्ड 11 बनाते हैं तो उसमें आप इकट्ठे करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ही जीतेगा या वर्ल्ड 11 ही जीतेगी। मैं कहता हूँ कि जो यूनिटी एक बनी होती है ना टीम की, वो ज़्यादा एफर्ट करती है और ज़्यादा से वर्ल्ड 11 मैंने आज तक कभी जीती भी नहीं देखी, जहाँ पे भी जाते हैं बेचारे हार के आते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड 11 के बेस्ट प्लेयर अगर आप उसमें ऐड कर दें टीम में तो वो जीते, इसलिए मैं तो इंडिया के हक में ही जो है ना बात करूँगा इसी हवाले से कि इंडिया जो है वो जीत सकता है मैच। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका, एक प्लेयर निकालेंगे तो उनके पास 10 प्लेयर उसी प्लेस के लिए यानी कि खेल रहे होते हैं, और वर्ल्ड 11 अगर बनाएंगे तो पाकिस्तान के ऐड करेंगे, इंग्लैंड के ऐड करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के, तो गोरे जो है ना वो अबू धाबी, दुबई, ओमान उस पिचेस पे मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा खेल पाएंगे जितने यानी कि इंडियन प्लेयर्स या पाकिस्तानी प्लेयर खेल पाते, तो एडवांटेज हो सकता है इंडिया को उस मामले में। तमाम दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को मिलाकर एक वर्ल्ड 11 की टीम बनाई जाए और उसका मुकाबला इंडिया के साथ करवाया जाए, तो क्या टीम इंडिया उसको वर्ल्ड 11 को मात दे देगी? नहीं, वर्ल्ड 11 की टीम जीत जाएगी। रीजन? इंडिया अभी जो अपनी जो ज़्यादातर क्रिकेट खेल के आ रहा है वो सारी IPL खेल के आ रहा है, और डिफरेंट जो लीग्स हैं हर मुल्क में हो रही हैं, पाकिस्तान ने अभी अपना नेशनल T20 कप खेला, तो सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक टीम खेली है, तो इंडिया की जो लीग्स हुई हैं उनके जो अच्छे प्लेयर्स थे उनके साथ दूसरे कम्बिनेशन थे, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, तो वो एक यूनिट नहीं खेला किसी भी टीम में, तो ये एज होगा मेरे ख्याल में। वर्ल्ड 11 की टीम देखी जाए तो वो जीत जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं यूनिटी का भी एलिमेंट आता है कि नहीं? जी ऑफ कोर्स यूनिटी का एलिमेंट होगा, अगर आप उस तरह देखेंगी तो वो एज जो है वो इंडिया को चला जाएगा। नहीं, एक ये तो मिथ है मेरे हिसाब से कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इंडिया अपने मुल्क में तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है लेकिन आउटसाइड इंडिया, इंडिया वो नहीं होती, इंडिया इज़ अ डिफरेंट टीम आउटसाइड एशिया, तो मतलब UAE में मैचेज है नो डाउट, लेकिन जहाँ पे अब आप देख सकते हैं IPL हो रहा है, तो IPL की UAE वाली परफॉर्मेंस और इंडिया वाली परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इंडियन प्लेयर्स UAE में उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये मिथ है। तो इवन अगर वर्ल्ड 11 ही बना दें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जीत पाएगा, हरा सकती है, लेकिन एक हार्ड कंपटीशन होगा दोनों टीम्स के दरमियान। इस वक्त जो है टीम इंडिया के हर तरफ चर्चे हैं, यही कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए सबसे स्ट्रांग टीम जो है वो टीम इंडिया है। अगर हम तमाम दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को मिलाकर वर्ल्ड 11 की एक टीम बनाएं, उसका मुकाबला टीम इंडिया से करवाएं, तो क्या टीम इंडिया वर्ल्ड 11 को मात दे देगी? आई थिंक ये बड़ा टफ मुकाबला होगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आती, उनके कैप्टन से लेकर टेल एंडर तक कोई भी प्रेशर में नहीं आता, तो चाहे वर्ल्ड 11 के जितने भी हम टॉप क्लास प्लेयर वर्ल्ड 11 में कर लें, लेकिन इंडिया टफ कंपटीशन देगी और मेरे ख्याल से जीत भी सकती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की बैकबोन कौन सा प्लेयर है? देखिए मुझे जो पसंद है रोहित शर्मा, टेक्निक वाइज वेरी गुड प्लेयर है, और मैं तो ये कहूँगा कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है इस टाइम तो T20 में, रोहित शर्मा कह सकते हैं। कोहली आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, लेकिन उसका यानी कि वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, तो उसका कोई पता नहीं है, उसका जब मर्जी मैच जीतवा सकते हैं। उनके पास मैन विनर काफ़ी ज़्यादा है, KL राहुल है, सूर्य कुमार यादव है, इतनी बड़ी यानी कि उनकी साइड है, कोई भी मैच विनर हो सकता है उनमें। इंडिया की बैकबोन कौन सा प्लेयर है इस टाइम? जो है उनकी बैकबोन जो है वो विराट कोहली है, और उनका विकेट कीपर बैट्समैन जो है उनकी बैकबोन है, उनका कैप्टन है विराट कोहली, उसके अलावा रोहित शर्मा है, उसके अलावा बॉलर्स में उनके पास मोहम्मद शमी है, उसके अलावा स्पिनर्स में चाहल है, मेरे ख्याल से ये उनकी बैकबोन है। आपको कौन सा प्लेयर लगता है ऐसा जो टीम इंडिया की बैकबोन है? आई थिंक विराट कोहली बैकबोन है, और बॉलिंग में बुमराह और रोहित शर्मा। इंडिया की टीम में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है? इंडिया की टीम में जो क्वालिटी है उनकी ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट स्टार्ट होती है ना, वहाँ से ही उनको ऐसी फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे आके हमें मिलती हैं। हमें यहाँ पे बहुत से मसाइल का सामना रहता है, आपके पास मतलब अच्छे पिचेस नहीं है, पिचेस अच्छे हैं तो आपको स्पाइक्स अलाउ नहीं है, यहाँ पे पूरा साल खेल के जब बच्चा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता है वहाँ स्पाइक्स पहनता है तो उसको पाँव नहीं चलते, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। और खुशी इस बात की है कि रमीज राय साहब आए हैं, उन्होंने इस बात पर बात की है कि मैं पिचेस का मैार बहुत बेहतर चाहिए मुझे, और जैसे ही पिचेस का मैार बेहतर होगा तो उम्मीद है कि ये क्लब क्रिकेट में भी स्पाइक्स अलाउ करेंगे जो टूर्नामेंट्स हम लोग सारा साल खेलते हैं, तो इससे ये बहुत बड़ा फॉल्ट है अगर किसी को पता चले। मैं खुद क्रिकेटर हूँ इसलिए मुझे पता है कि आप पूरा साल स्पाइक्स यूज़ नहीं कर रहे, और जब आपको अचानक करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका पाँव नहीं चलेगा, आपके मसल्स डेवलप हो जाते हैं स्पाइक्स जब आप यूज़ करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे तो आप नहीं खेल सकते, अचानक से आप बैटिंग करनी पड़े आप नहीं चल सकते, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अगर सॉल्व हो जाए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हम बहुत फ़र्क
आप देखेंगे? उनकी जो मैनेजमेंट है वो उनको बड़ा सपोर्ट करती है, ठीक है, जिस तरह देखे उन्होंने दिए हैं, मतलब स्क्वाड दिया है उसी पे वो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें अगर वो चेंजेस आती भी हैं तो वो जो प्लेयर हैं जो उनको रिप्लेस करेंगे वो उनसे बेस्ट ही रिप्लेस करेंगे उनको, कोई ये नहीं होगा कि हल्का प्लेयर आएगा। पाकिस्तान में देखें, अब जैसे स्क्वाड दिया पाकिस्तान ने उस पर बातें हो रही थी कि ये स्क्वाड नहीं सही, ये स्क्वाड सही, मतलब उन्होंने जो दिया है वो बेस्ट ही दिए, तो इस मामले का कहा जैसे जो मर्जी होगा उनको मैच जितवा सकते हैं उनका प्लेयर। ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो टीम इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है? टीम इंडिया की क्वालिटीज तो वो बड़ी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं थ्रू आउट कैलेंडर, वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनकी जो ट्रॉफीज हो रही हैं लोकल डोमेस्टिक में वो भी, फिर एक तरह से आईपीएल होती रहती है लोकल ट्रॉफीज, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ऑर्गेनाइज रहता है, तो इंडिया की क्रिकेट बड़ी उससे जो है वो बूस्ट अप रहती है। एक तो फाइटिंग स्किल है उनके दरमियान, और उसका दूसरी चीज़ ये है कि वो पहले भी मैं कह चुका हूँ मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है कि वो अपनी अपने कंट्री के लिए खेलते हैं। ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं टीम इंडिया की जो टीम इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है? उनके मेन सबसे जो उनकी डोमेस्टिक लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक उनकी एक ही बैकबोन है, वो ये है कि वो एक तो वो इन्वेस्ट करते हैं अपने क्रिकेट पर, इन्वेस्ट करके वो अपने प्लेयर्स को एक ब्रांड बनाते हैं जिससे प्लेयर्स मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं, और बस यही एक वजह कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और हर जगह बगैर डरे परफॉर्म करते हैं और जीतते हैं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा कंपैरिजन किया गया आई थिंक इंडिया का बाकी सारे टीम्स के साथ, एंड बहुत अच्छा पाकिस्तानी रिएक्शंस मिला है, एंड मुझे ये जानने को मिला इस वीडियो से कि चाहे कितने ही बेस्ट प्लेयर्स अगर आप वर्ल्ड 11 के टीम पे रख लीजिए, रहेंगे तो आखिर 11 ही प्लेयर्स, और टीम इंडिया के साथ अगर उनका कंपेयर मतलब ये खेल मैच किया जाए तो उसमें बात ये हो जाएगा कि वर्ल्ड के सारे बेस्ट प्लेयर्स अगर 11 प्लेयर्स को अगर हम रखते हैं वर्ल्ड 11 की टीम में तो वहाँ ये हो जाएगा कि उन पे यूनिटी नहीं होगा, एंड टीम इंडिया में ऑलरेडी सब साथ खेलते हैं, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ यूनिटी एक बॉन्ड क्रिएट होगा, तो यूनिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक टीम को चलाने के लिए। एंड जैसे कि किसी ने कहा इस वीडियो में कि टीम इंडिया को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिस वजह से उनकी टीम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है, एंड वो अपना जी जान लगा देती है खेलने की तरफ, ये बहुत ही सही बात है। अगर किसी भी इंसान को अगर उस तरीके की फैसिलिटीज दी जाए तो वो क्यों नहीं अपना बेस्ट करेगा। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड